तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MX Fact पे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक मूवी के बारे में बताता हूँ और मैं यही कहता हूँ कि आप अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने कर रखा है। ये हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनका काफ़ी कम परसेंटेज है, तो मैं यही चाहूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि बहुत कम लोग हमारे, जो मैंने एनालिटिक्स से चैनल का वो देखा है, उसमें बहुत कम लोग मैं सब्सक्राइब कर रखा है, 0.08%, जो कि बहुत ही कम है। जबकि हमारी फैमिली 1.5 मिलियन की है और होनी भी चाहिए 1.5 मिलियन की, अभी 50,000 की है। तो वीडियो शुरू करते हैं और हम जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी के फैक्ट के बारे में, इसका रिव्यू करने वाले हैं हम टोटल, और ये 2024 में कब रिलीज होगी, इसमें कास्टिंग क्या है, इसकी प्रोडक्शन कंपनी कौन सी, इसका बजट कितना है, रिलीजिंग वगैरह सब कुछ, टोटल न्यूज़ अनाउंसमेंट, टीजर, ट्रेलर सब के बारे में, स्टोरी के बारे में खुल के बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले इसको मैं कहूँगा, सबसे पहले जाइए, बेल आइकन दबाइए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके आइए। और चलिए शुरू करते हैं। एक हॉरिज़न एंड अमेरिकन साका फिल्म श्रृंखला है जिसमें चार न्यूज़ अमेरिकन महाकाव्य पश्चिम शामिल है। और इसके जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर, वो केविन कॉस्टनर है। इसके चार पार्ट आएंगे। दोस्तों, इसमें ये 181 की है, फर्स्ट पार्ट है इसका, 164 सीज़न 2 है। और अब ये इसकी जो दोनों फिल्में बनी थी उनका टोटल मैं बजट अब तक बता दूँ, लगभग 100 मिलियन बैठ चुका है और ये USA में रिलीज़ हुई थी और अब आपको भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में और डिटेल। इसकी 28 जून को ये आपको देखने को मिलेगी 2024 के अंदर, और 16 अगस्त 2024 को इसका सेकंड पार्ट, सीज़न 2 है, वो आने वाला है। और इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट आपके सामने जल्दी आने वाला है। तो इसकी अपडेट जानने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे ही अपडेट आती है मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए हम और इसकी डिटेल जान लेते हैं। होराइजन इन अमेरिकन सागा एक फिल्म श्रृंखला है जिसमें चार नियोजित अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी शामिल है, जिनका निर्देशन, सहलेखन और निर्माण केविन कॉस्टनर ने किया है। साथ ही इसमें उन्होंने अभिनय भी किया है। यह स्क्रिप्ट उन्होंने जॉन बेयर्ड के साथ मिलकर लिखी है और कॉस्टनर, बेयर्ड और मार्क कास्टन द्वारा सहलिखित एक मूल कहानी पर आधारित है। कथानक काल्पनिक पात्रों के इर्द गिर्द केंद्रित है और गृहयुद्ध से पहले और बाद के अमेरिका में घटित होता है और अमेरिकी पश्चिम की खोज का विवरण देता है, उनके घरों से नए क्षेत्र में अग्रणी रूप से चित्रित करती है। विकास केविन कॉस्टनर ने 1988 की शुरुआत में ही फिल्म श्रृंखला की पटकथा विकसित करना शुरू कर दिया था, जो उनके व्यक्तिगत विश्वास पर आधारित थी कि इसके दर्शकों को ओल्ड वेस्ट में अमेरिका के सच्चे इतिहास से प्रेरणा मिलनी चाहिए। एक वर्षों से कॉस्टनर ने पटकथा को मूल रूप से दो मुख्य अभिनेताओं के सहकलाकार से विकसित करना जारी रखा और इसके बजाय एक पूर्ण कलाकारों की टुकड़ी को पेश किया। दो कॉस्टनर ने बताया कि पटकथा को चार व्यक्तिगत फिल्मों की श्रृंखला में विस्तारित करके वह सटीक रूप से उस यात्रा का चित्रण करना चाहते थे जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 12 साल की अवधि में की थी, साथ ही देश पर अमेरिकी गृहयुद्ध के प्रभाव को भी दिखाना चाहते थे, जबकि इस प्रक्रिया में फिल्म देखने के अनुभव में दर्शकों को आकर्षित करना था। एक कॉस्टनर ने बाद में बताया कि कथानक मूल अमेरिकियों के अनुभवों को दर्शाएगा, जब अप्रवासी बसने वाले इस औचित्य के साथ उनके क्षेत्र में चले गए कि उन्होंने जमीन के लिए यूरोपीय सेल्समैन को भुगतान किया था। 3, 2003 में कॉस्टनर ने द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के साथ फिल्म का निर्माण करने के लिए बातचीत शुरू की थी। हालांकि प्री प्रोडक्शन चरण के दौरान उन्होंने पाया कि स्टूडियो के पास उनके लिए आवश्यक बजट से अलग उत्पादन बजट की सीमाएं थीं, और इसलिए वह अपने प्रोजेक्ट को उनके बैनर तले बनाने से दूर चले गए। 2014 में फिल्म निर्माता ने फिल्मों की त्रयी की योजना के साथ श्रृंखला के लिए योजनाओं का विस्तार किया। 4 विकास वर्षों तक जारी रहा, जब तक कि कॉस्टनर ने 2012 में जॉन बेयर्ड के साथ स्क्रिप्ट पर सहयोग नहीं किया, जहां यह चार अलग अलग फिल्मों में विकसित हुआ। 2
जिसकी सामग्री और कहानी जॉन बोएकर उनके पिछले पश्चिमी फिल्मों की तुलना में अधिक गहरी होगी। 3. प्रमुख उत्पादन स्टूडियो की शुरुआती भागीदारी की कमी के बावजूद कॉस्टनर 2 मई 2024 में कॉस्टनर ने पुष्टि की कि होराइजन फिल्म श्रृंखला कम से कम 4 किश्तों में होगी, जबकि उन्होंने बताया कि पहली 2 फिल्मों का उत्पादन और रिलीज शेड्यूल आंशिक रूप से उनकी व्यक्तिगत इच्छा के कारण था कि उनके जीवन के समाप्त होने से पहले स्क्रिप्ट को साकार होते देखा जाए। 5. जबकि वे यह भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनका बेटा हेस उनके लिए लिखे गए किरदार को निभा सके, इससे पहले कि वह उस भूमिका से आगे निकल जाए। 2. बाद में कॉस्टनर ने अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं का विवरण दिया जिसने फिल्मों के निर्माण में देरी की थी, जिसमें फिल्म उद्योग पर कोविड-19 का प्रभाव, 2021 में उनके माता पिता की मृत्यु, पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ अनुबंध विवाद और येलोस्टोन के अंतिम सीजन पर टेलर शेरिडन सहित शेड्यूलिंग संघर्ष, क्रिस्टीन बॉमगार्टनर के साथ तलाक और 2023 के लेखकों बटा अभिनेताओं की हड़ताल शामिल है। विभिन्न रिपोर्टों के विपरीत, जो अन्यथा कहती है, कॉस्टनर ने इस विचार को खारिज कर दिया कि फिल्म श्रृंखला के विकास ने सीधे येलोस्टोन टेलीविजन श्रृंखला से उनके प्रस्थान को प्रभावित किया। फिल्म निर्माता ने बताया कि अंतिम सीजन को कई बार पुनर्गठित किया गया था और इसे विभिन्न उत्पादन देरी के अधीन किया गया था, जो प्राथमिकता वाली फिल्म श्रृंखला के उत्पादन कार्यक्रम के साथ संघर्ष करता था। अंतिम सीजन के लिए पूरी स्क्रिप्ट की कमी का उदाहरण देते हुए, जिसे 2 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाएगा, कॉस्टनर ने कहा कि वह श्रृंखला में अपनी भूमिका को पूरा करने के लिए अतिरिक्त फोटोग्राफी को पूरा करने के लिए तैयार है। हालांकि फिल्म निर्माता ने कहा कि जब शो के लिए पुनर्लेखन चल रहा था तो उन्होंने शेरिडन को होराइजन फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ने की अनुमति दी थी, इस उम्मीद के साथ कि यह प्रेरित कर सकती है, जबकि पहले भी एक क्लाइमेटिक डेथ सीन में येलोस्टोन से अपने चरित्र को लिखने में सहायता प्रदान करने की पेशकश की थी। उन्होंने कथित तौर पर ऐसा करने के लिए अपने फिल्म निर्माण कार्यक्रम से कुछ समय निकालने की पेशकश की, लेकिन ये विकल्प कभी भी अमल में नहीं आए। 2. प्रत्येक किस्त के विभिन्न त्योहारों के आगाज, अध्याय 1 के लिए कान फिल्म महोत्सव और अध्याय 2 के लिए वेनिस फिल्म महोत्सव को संबोधित करते समय कॉस्टनर ने अध्याय 3 के लिए कान में लौटने में रुचि व्यक्त की। 5. कॉस्टनर ने बाद में बॉक्स ऑफिस पर उनके प्रदर्शन की परवाह किए बिना स्ट्रीमिंग और होम वीडियो मीडिया के माध्यम से हर कई वर्षों में फिल्म श्रृंखला को लाइसेंस देने के माध्यम से अतिरिक्त मौद्रिक लाभ की योजनाओं के बारे में बताया। 5. वार्नर ब्रदर्स के साथ काम करते हुए प्रत्येक अध्याय को पिछली किस्त के 4 से 6 महीने बाद रिलीज करने की योजना है। 4. फिल्म निर्माता ने बाद में कहा कि उन्होंने फिल्मों की श्रृंखला को क्लासिक वेस्टर्न की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए विकसित किया है। 6, 7 और हालांकि उन्होंने समकालीन समय के दौरान अतिरिक्त सीक्वेल विकसित करने पर विचार किया है, कॉस्टनर ने निर्धारित किया है। फिल्में पतली परत अमेरिका में रिलीज की तारीख, निदेशक पटकथा लेखक कहानी प्रोड्यूसर स्थिति, क्षितिज एक अमेरिकी गाथा, अध्याय 1 28 जून 2024 केविन कॉस्टनर जॉन बेयर्ड और केविन कॉस्टनर जॉन बेयर्ड और केविन कॉस्टनर और मार्क कास्दान केविन कॉस्टनर हॉवर्ड कप्लान और मार्क गिलार्ड जारी किया। क्षितिज एक अमेरिकी गाथा अध्याय 2 16 अगस्त 2024 डाक उत्पादन। क्षितिज एक अमेरिकी गाथा अध्याय 3 टीबीए फिल्माने। क्षितिज एक अमेरिकी गाथा अध्याय 4 टीबीए विकास में। क्षितिज एक अमेरिकी गाथा अध्याय 1 2024। मुख्य लेख होराइजन एंड अमेरिकन सागा अध्याय 1 जनवरी 2022 में यह घोषणा की गई कि केविन कॉस्टनर अपनी तीसरी फीचर फिल्म का निर्देशन करेंगे, एक स्क्रिप्ट से जिसे उन्होंने जॉन बेयर्ड के साथ सहलिखा था। कॉस्टनर इस परियोजना का निर्माण करेंगे। मुख्य फोटोग्राफी उसी वर्ष अगस्त में यूटा में होने वाली है। यह परियोजना टेरिटरी पिक्चर्स, वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स और न्यू लाइन सिनेमा के बीच एक संयुक्त उद्यम उत्पादन होगा। 8. जबकि वार्नर ब्रदर्स वितरक के रूप में काम करेंगे। 9. जून 2022 में
स्टार और फिल्म निर्माता ने कहा कि राज्य में अपने प्रोजेक्ट का फिल्मांकन करना लंबे समय से उनका लक्ष्य रहा है। राज्य में स्काउटिंग पहले ही हो चुकी है। 10 उस महीने के अंत में कॉस्टनर ने खुलासा किया कि उनकी परियोजना 4 अलग अलग फिल्मों में विकसित हुई है। प्रत्येक फिल्म की लंबाई 2 घंटे और 45 मिनट रखने का इरादा है। फिल्म निर्माता ने कहा कि एक बार सभी फिल्में रिलीज हो जाने के बाद उन्हें संकलित किया जाएगा और टेलीविजन पर एक मिनी सीरीज के रूप में फिर से रिलीज किया जाएगा। 11, 12 सिएना मिलर, सैम वर्थिंगटन, जेमी कैंपबेल बोवर, ल्यूक विल्सन, थॉमस एरेन चर्च, जेना मालोन, एलेजांद्रो एडा, तातंका मीन्स और माइकल रूकर को फिल्म श्रृंखला में विभिन्न भूमिकाओं में लिया गया है। सितंबर 2022 में इसाबेल फुरहमान को एक अज्ञात भूमिका में लिया गया था। 13 उसी वर्ष नवंबर तक प्रमुख फोटोग्राफी लपेटी गई थी। 14 मई 2024 में यह पता चला कि राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका ने कॉस्टनर और जॉन बेयर्ड को कॉस्टनर, बेयर्ड और मार्क कास्तान द्वारा सहलिखित एक मूल कहानी से पटकथा लेखक के रूप में पहली दो फिल्मों का श्रेय दिया था। 15 अक्टूबर 2023 में आधिकारिक शीर्षक की घोषणा होराइजन इन अमेरिकन सागा अध्याय 1 के रूप में की गई थी। पहला ट्रेलर शुरू हुआ जिसमें 28 जून 2024 की रिलीज की तारीख का खुलासा किया गया। 16, 17, 18 क्षितिज एक अमेरिकी गाथा अध्याय 2, 2024 मुख्य लेख होराइजन एंड अमेरिकन सागा अध्याय 2 जून 2022 में कॉस्टनर ने घोषणा की कि होराइजन 4 फिल्मों की एक श्रृंखला होगी। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में शुरू होने वाली है जिसके बाद की किश्तों को बैक टू बैक फिल्माया जाएगा। अध्याय 2 को अध्याय 1 के 3 महीने बाद रिलीज किया जाएगा। 11, 12 नवंबर 2022 में कॉस्टनर ने कहा कि उनके बेटे को कलाकारों में शामिल किया गया है जबकि मुख्य फोटोग्राफी 2023 के वसंत में शुरू होने वाली है। 14 फिल्मांकन अप्रैल 2023 में शुरू हुआ जिसमें ग्लिन टूरमैन, कैथलीन क्विनलान और जियोवानी रिब्सी कलाकारों में शामिल हुए। कॉस्टनर, मिलर, वर्थिंगटन, एला हंट, विल पैटन, विल्सन, फुहरमैन और चर्च पिछली फिल्म से अपनी भूमिकाएं फिर से निभाएंगे। फोटोग्राफी के निर्देशक और संपादक पिछली फिल्म से भी वापस आएंगे। 19 दूसरी फिल्म का निर्माण मई 2023 तक यूटा में तीसरी फिल्म के साथ साथ शुरू हुआ। 20 जून 2023 में फुरहमान ने एक अभिनेता और एक फिल्म निर्माता के रूप में कॉस्टनर के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की जबकि इस बात की पुष्टि की कि श्रृंखला की सभी फिल्मों का निर्माण एक के बाद एक किया जाएगा। 21 मुख्य फोटोग्राफी के पूरा होने के एक महीने बाद कॉस्टनर ने असेंबल सीक्वेंस को फिल्माना शुरू कर दिया जो कि चैप्टर 3 की घटनाओं की जानकारी देने के लिए फिल्म के अंत में दिखाई देगा। 2 अक्टूबर 2023 में फिल्म के आधिकारिक शीर्षक के साथ पहला ट्रेलर रिलीज किया गया। होराइजन इन अमेरिकन सागा चैप्टर 2 16 अगस्त 2024 को रिलीज होने वाली है। 16, 17, 18 क्षितिज एक अमेरिकी गाथा अध्याय 3 TBA मुख्य लेख होराइजन एंड अमेरिकन सागा अध्याय 3 जून 2022 में कॉस्टनर ने खुलासा किया कि फिल्म श्रृंखला में 4 अलग अलग फिल्में शामिल होंगी। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2023 से शुरू होगी इसके पूर्ववर्ती और इसके सीक्वल के साथ। यह इरादा है कि अध्याय 3 दूसरी फिल्म के लगभग 3 महीने बाद रिलीज किया जाएगा। कॉस्टनर ने समझाया कि वह प्रत्येक किस्त को प्रत्येक रिलीज के बीच समान समय के साथ शुरू होते देखना चाहेंगे। 11, 12 शीर्षकहीन तीसरी फिल्म का निर्माण मई 2023 तक यूटा में दूसरे के साथ साथ शुरू हुआ। 20 लेखकों और अभिनेताओं की हड़ताल के कारण तीसरी फिल्म का निर्माण रोक दिया गया था। 22 उसी वर्ष अक्टूबर में अध्याय 1 और अध्याय 2 के ट्रेलर और पोस्टर की शुरुआत के बाद यह पुष्टि की गई कि सीक्वल पर काम जारी है। 23 फरवरी 2024 में पहली दो किस्तों के पोस्ट प्रोडक्शन के बीच
कॉस्टनर ने यूटा में टेरिटरी फिल्म स्टूडियो नामक एक नई प्रोडक्शन कंपनी का निर्माण शुरू किया। तीसरी और चौथी फिल्म का निर्माण उसी साल के अंत में शुरू होगा। 24 उसी वर्ष अप्रैल तक कॉस्टनर ने पुष्टि की कि चार अलग अलग फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट पूरी है। 1 मई 2024 में बैकग्राउंड अभिनेताओं के लिए कास्टिंग कॉल शुरू हो गए थे, जबकि उत्पादन उस महीने के अंत में सेंट जॉर्ज यूटा में शुरू होने वाला था। 25-26 बाद में यह बताया गया कि लेखक अभिनेता हड़ताल के कारण प्रगति रुकने से पहले उत्पादन शुरू में 2023 में शुरू हुआ था। 27 पिछली किस्त के पूरा होने के एक महीने बाद कॉस्टनर ने एक असेंबल अनुक्रम का फिल्मांकन शुरू किया। 5-28 क्षितिज एक अमेरिकी गाथा अध्याय 4 TBA। जून 2022 में कॉस्टनर ने घोषणा की कि होराइजन फिल्म श्रृंखला 4 फिल्मों से बनी होगी। पिछली किस्तों के पूरा होने के बाद चौथी फिल्म पर निर्माण शुरू होगा। 11-12 फरवरी 2024 में यह घोषणा की गई कि तीसरी फिल्म के साथ साथ यूटा में मुख्य फोटोग्राफी उसी वर्ष बाद में शुरू होगी। 24 उसी वर्ष अप्रैल तक कॉस्टनर ने घोषणा की कि फिल्म श्रृंखला की प्रत्येक किस्त के लिए स्क्रिप्ट पूरी हो गई है। 1 प्रमुख कलाकार और पात्र सूची संकेतक इस खंड में वे पात्र शामिल है जो श्रृंखला की 2 से अधिक फिल्मों में दिखाई देंगे या दिखाई दे चुके हैं। खाली गहरे भूरे रंग का सेल यह संकेत देता है कि पात्र फिल्म में नहीं था या पात्र की आधिकारिक उपस्थिति की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। सी कैमियो भूमिका को इंगित करता है। वी केवल आवाज वाली भूमिका को इंगित करता है। चरित्र फिल्में क्षितिज एक अमेरिकी गाथा अध्याय 1 क्षितिज एक अमेरिकी गाथा अध्याय 2 क्षितिज एक अमेरिकी गाथा अध्याय 3 क्षितिज एक अमेरिकी गाथा अध्याय 4 हेस एलिसन केविन कोस्टनर फ्रांसिस किट्रेडगे सिएना मिलर प्रथम लेफ्टिनेंट ट्रेंट गेफर्ड सैम वर्थिंगटन एच सिलास पिकरिंग जियोवानी रिबिसी मैथ्यू वान वेडेन ल्यूक विल्सन डायमंड किट्रेडगे इसाबेल फुरमैन जूलियन चेस्नी एला हंट ओवेन किट्रेडगे विल पैटन कैलेब साइक्स जेमी कैंपबेल बोवर लुसी एलेन हार्वे जेना मालोन नेरोन चावेज एलेजांद्रो एडा तकलिशिम तातंका का अर्थ सार्जेंट मेजर थॉमस रियोर्डन माइकल रूकर गेंदे का फूल एबीली कर्नल अल्बर्ट ह्यूटन डैनी ह्यूस्टन ट्रैकर जेफ फेही एबेल नॉटन जेम्स रूसो डेस्मरस एंगस मैकफेरेन टीबीए थॉमस हेडेन जर्च टीबीए ग्लिन टूरमैन एनी पाइन कैथलीन क्विनलान केविन माइकल कॉस्टनर जन्म 18 जनवरी 1955 एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता है। उन्हें 2 अकादमी पुरस्कार 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 1 प्राइमटाइम एमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने द अनचेबल्स 1987 बुल डरहम 1988 फील्ड ऑफ ड्रीम्स 1989 JFK 1991 रॉबिन हुड प्रिंस ऑफ थीव्स 1991 द बॉडीगार्ड 1992 ए परफेक्ट वरेड 1993 और वायट ईयर्प 1994 जैसी फिल्मों में अभिनय करके प्रसिद्धि पाई। इस दौरान कॉस्टनर ने वेस्टर्न महाकाव्य डांस विद वुल्व्स 1990 का निर्देशन और अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए 2 अकादमी पुरस्कार जीते। इसके बाद उन्होंने वाटरवरेड 1995 में अभिनय और सहनिर्माण किया और द पोस्टमैन 1997 और ओपन रेंज 2003 का निर्देशन किया। 1 कॉस्टनर की अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में सिल्वरेडो 1985 नो वे आउट 1987 टिन कप 1996 मैसेज इन ए बॉटल 1999 फॉर लव ऑफ द गेम 1999 13 डेज 2000 मिस्टर ब्रूक्स 2007 स्विंग वोट 2008 द कंपनी मैन 2010 3 डेज टू किल 2014 ड्राफ्ट डे
2014, ब्लैक और व्हाइट 2014, मैकफारलैंड यूएसए 2015 और द हाईवेमैन 2019 शामिल है। दो, उन्होंने द अपसाइड ऑफ एंगर 2005, मैन ऑफ स्टील 2013, जैक रयान शैडो रिक्रूट 2014, हिडन फिगर्स 2016, मॉलीज गेम 2017 और लेट हिम गो 2020 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं भी निभाई है। टेलीविजन पर कॉस्टनर ने मिनीसीरीज एटफील्ड से एंड मैककॉयज 2012 में डेविल इनसे एटफील्ड का किरदार निभाया, जिसने लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट लीड एक्टर के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीता। 2018 से उन्होंने पैरामाउंट नेटवर्क की ओरिजिनल ड्रामा सीरीज येलोस्टोन में जॉन डटन के रूप में अभिनय किया है, जिसके लिए उन्हें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकन और गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। कोस्टनर का जन्म 18 जनवरी 1955 को लिनवुड, कैलिफोर्निया में हुआ था और वे कॉम्पटन, कैलिफोर्निया में बड़े हुए। चार, उनके माता पिता विलियम और शेरोन कोस्टनर थे। पाँच, वह तीन लड़कों में सबसे छोटे हैं, जिनमें से दूसरे की जन्म के समय मृत्यु हो गई थी। शेरोन राय कोस्टनर नी टेड्रिक एक कल्याण कार्यकर्ता थे और विलियम कोस्टनर एक इलेक्ट्रीशियन और एक उपयोगिता कार्यकारी थे। छः, पेज की जरूरत। सात, कोस्टनर के पिता की विरासत 1700 के दशक में उत्तरी कैरोलिना में जर्मन आप्रवासियों से उत्पन्न हुई। आठ, बेहतर स्रोत की जरूरत और कोस्टनर के पास अंग्रेजी, आयरिश, स्कॉटिश और वेल्श वंश भी है। नौ, दस, कोस्टनर का पालन पोषण बैप्टिस्ट में हुआ था। ग्यारह, बारह, छः, तेरह, उन्होंने कहा है कि बचपन में 1962 की फिल्म हाउ द वेस्ट वाज वॉन देखने से उन्हें पश्चिमी फिल्मों के प्रति प्रेम पैदा हुआ। 14. कोस्टनर ने कहा है कि उन्होंने अपने पिता के करियर की प्रगति के दौरान कैलिफोर्निया के विभिन्न हिस्सों में अपनी किशोरावस्था बिताई। उन्होंने इस समय को एक ऐसी अवधि के रूप में वर्णित किया है जब उन्होंने काफी आत्मविश्वास खो दिया था, उन्हें अक्सर नए दोस्त बनाने पड़ते थे। कोस्टनर वेंचुरा में रहते थे, फिर विसालिया में। कोस्टनर ने माउंट व्रिटनी हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां वे मार्चिंग बैंड में थे। आठ, बेहतर स्रोत की आवश्यकता है। कोस्टनर ने 1973 में विला पार्क हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। पंद्रह, उन्होंने विला पार्क में बेसबॉल खेला और डेनिस बर्ट के साथ टीम के साथी थे। सोलह, उन्होंने 1978 में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी फुलरटन CSUF से BA अर्जित किया। 17. कॉलेज के अपने आखिरी साल में कॉस्टनर को अभिनय और नृत्य में रुचि हो गई थी। 8. बेहतर स्रोत की आवश्यकता। 1978 में प्यूटो वालार्टा में अपने हनीमून से लौटते समय एक हवाई जहाज में कॉस्टनर की अभिनेता रिचर्ड बर्टन से मुलाकात हुई। उस समय कॉस्टनर इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि उन्हें अभिनेता बनना चाहिए या नहीं, और उन्होंने सलाह लेने के लिए बर्टन से संपर्क किया। कॉस्टनर ने कहा है कि बर्टन ने उन्हें अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित किया। 19. कॉस्टनर ने यह भी कहा है कि उन्होंने बर्टन से पूछा कि क्या निजी जीवन में उथल पुथल का अनुभव किए बिना अभिनेता बनना संभव है। कॉस्टनर के अनुसार बर्टन ने जवाब दिया कि उन्हें लगता है कि यह संभव है। कॉस्टनर ने अभिनेता बनने के लिए प्रेरणा देने का श्रेय बर्टन को दिया। 20. मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर नौकरी करने के लिए सहमत होने के बाद कॉस्टनर ने अपनी पत्नी के सहयोग से सप्ताह में 5 रातें अभिनय की शिक्षा लेना शुरू कर दिया। उनकी मार्केटिंग की नौकरी 30 दिनों तक चली। उन्होंने ऐसी नौकरियां की जिनसे उन्हें अपने अभिनय कौशल को विकसित करने का मौका मिला, जिसमें मछली पकड़ने वाली नावों पर काम करना, ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम करना और हॉलीवुड के फिल्मी सितारों के घरों का दौरा कराना शामिल था। इस काम ने दंपति का भरण पोषण किया जबकि कॉस्टनर ऑडिशन में भाग लेते थे। उद्धरण की आवश्यकता। आजीविका। 1981 से 1986 प्रमुखता की ओर वृद्धि।
कोस्टनर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सिजल बीच यूएसए 1981 से की। 1978 से 79 की सर्दियों में फिल्माई गई यह फिल्म 1981 तक रिलीज नहीं हुई और 1986 में फिर से रिलीज हुई। रिलीज की जटिलताओं और दस्तावेजीकरण की कमी के कारण कई लोगों का मानना था कि कोस्टनर ने 1983 में ईव लिलिथ और एंड्रा मिलियन के साथ द टच, जिसे स्टेसीज नाइट्स के रूप में भी जाना जाता है, में शुरुआत की थी। उद्धरण आवश्यक, कोस्टनर ने रॉन हॉवर्ड की फिल्म नाइट शिफ्ट 1982 में फ्रैट बॉय एक के रूप में एक छोटी भूमिका निभाई थी। 22 वह न्यूयॉर्क शहर के मुर्दाघर में एक फ्रेट शैली धमाकेदार पार्टी के चरमोत्कर्ष पर दिखाई देता है, जब संगीत को अचानक एक उन्मत्त हेनरी विंकलर द्वारा बंद कर। कोस्टनर 1983 में एप्पल लिसा और टेबल 4-5 के विज्ञापन में दिखाई दिए और उसी वर्ष परमाणु प्रलय फिल्म टेस्टामेंट में उनकी एक छोटी भूमिका थी। बाद में उन्हें द बिग चिल में कास्ट किया गया और कई दृश्य फिल्माए गए जिन्हें फ्लैशबैक के रूप में योजनाबद्ध किया गया था, लेकिन उन्हें अंतिम कट से हटा दिया गया था। 8 उनकी भूमिका एलेक्स की थी, जो आत्महत्या करने वाला दोस्त था, वह घटना जो बाकी कलाकारों को एक साथ लाती है। कोस्टनर निर्देशक लॉरेंस कास्दान के मित्र थे, जिन्होंने अभिनेता को भविष्य की परियोजना में भूमिका देने का वादा किया था। 8 वह सिल्वरेडो 1985 बन गई और कोस्टनर के लिए एक ब्रेकआउट भूमिका थी। 8 उन्होंने उस वर्ष छोटी फिल्मों फैंडेंगो और अमेरिकन फ्लायर्स में भी अभिनय किया। 1987 से 1994 स्टारडम और प्रशंसा। इलियट नेस चित्रित को कोस्टनर ने द अनचेबल्स 1987 में चित्रित किया था। कोस्टनर ने 1987 में फिल्म स्टार का दर्जा हासिल किया जब उन्होंने द अनचेबल्स में संघीय एजेंट एलियट नेस की भूमिका निभाई और थ्रिलर नो वे आउट में प्रमुख भूमिका निभाई। 8 उन्होंने बेसबॉल थीम वाली फिल्मों बुल डरहम 1988 और फील्ड ऑफ ड्रीम्स 1989 में अपनी एलिस्ट की स्थिति को मजबूत किया। 8 1990 में उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी टिग प्रोडक्शंस बनाने के लिए निर्माता जिम विल्सन के साथ भागीदारी की। 8 23 टिग की पहली फिल्म महाकाव्य डांस विद वोल्व्स थी, जिसे कोस्टनर ने निर्देशित और अभिनय किया था। इस फिल्म को 12 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था और 7 जीते, जिनमें से 2 उनके लिए व्यक्तिगत रूप से थे, सर्वश्रेष्ठ चित्र और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। 8 कोस्टनर ने एक्शन एडवेंचर फिल्म रॉबिनहुड प्रिंस ऑफ थीव्स 1991 में रॉबिनहुड की भूमिका निभाई, जहां उन्होंने एक निर्माता के रूप में भी काम किया। कोस्टनर ने एलन रिकमैन, मॉर्गन फ्रीमैन और क्रिश्चियन स्लेटर के साथ अभिनय किया। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर अपार सफलता थी। इसके बाद उन्होंने ओलिवर स्टोन द्वारा निर्देशित राजनीतिक महाकाव्य थ्रिलर जेएफके 1991 में जिला अटॉर्नी जिम गैरिसन के रूप में अभिनय किया। फिल्म ने अपनी ऐतिहासिक अशुद्धियों के लिए महत्वपूर्ण विवाद प्राप्त किया, लेकिन इसकी शैली, निर्देशन और प्रदर्शन के लिए भी प्रशंसा की गई। कोस्टनर को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। आलोचक रोजर एबर्ट ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए लिखा, गैरिसन के रूप में कोस्टनर। इसके बाद उन्होंने रोमांटिक ड्रामा द बॉडीगार्ड 1992 में व्हिटनी ह्यूस्टन के साथ अभिनय किया, जहां उन्होंने एक निर्माता के रूप में भी काम किया। फिल्म पॉप कल्चर सनसनी और वित्तीय रूप से सफल रही। अगले वर्ष उन्होंने क्लिंट ईस्टवुड के ड्रामा ए परफेक्ट वर्ल्ड 1993 में एक भागते हुए अपराधी की भूमिका निभाई। एंटरटेनमेंट वीकली के फिल्म समीक्षक ओवेन ग्लीबरमैन ने लिखा, कोस्टनर एक कोआला भालू की तरह रोगग्रस्त लगते हैं और उनका सौम्य करिश्मा फिल्म की मार्मिक थीम को मजबूत करता है। 25 8 उन्होंने लॉरेंस कास्दान द्वारा निर्देशित वेस्टर्न बायोपिक वायट ईयर्प 1994 में शीर्षक भूमिका निभाई, जहां उन्होंने एक निर्माता के रूप में भी काम किया। उसी वर्ष उन्होंने ड्रामा फिल्म द वॉर में अभिनय किया।
1995 से 2011 करियर में उतार चढ़ाव। जुलाई 2003 में कोस्टनर एंड्रयूज एयर फोर्स बेस का दौरा करते हुए विज्ञान कथा सर्वनाशक महाकाव्य वॉटर वरेड 1995 और द पोस्टमैन 1997, जिनमें से बाद वाले को कॉस्टनर ने भी निर्देशित किया था, दोनों ही व्यावसायिक निराशाएं थीं और दोनों को आलोचकों द्वारा बड़े पैमाने पर कलात्मक विफलताओं के रूप में माना गया था। 8. हालांकि, जबकि वॉटर वरेड ने सम्मानजनक बॉक्स ऑफिस और कुछ सकारात्मक समीक्षा हासिल की, द पोस्टमैन के परिणाम बहुत खराब थे और इसने 5 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार जीते, जिसमें कॉस्टनर के लिए सबसे खराब फिल्म, सबसे खराब अभिनेता और सबसे खराब निर्देशक शामिल थे। 26. कॉस्टनर ने रॉन शेल्टन के लिए गोल्फ कॉमेडी टिन कप 1996 में अभिनय किया, जिन्होंने पहले उन्हें बुल डरहम में निर्देशित किया था। 8. उन्होंने फिल्म एयर फोर्स वन विकसित की और राष्ट्रपति की मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार थे। 2003 के कान फिल्म महोत्सव में कॉस्टनर। 2000 में 13 डेज के साथ उनके करियर में कुछ हद तक सुधार हुआ, जिसमें उन्होंने जॉन एफ कैनेडी के एक शीर्ष सलाहकार केनेट ओडोनेल की भूमिका निभाई थी। वेस्टर्न ओपन रेंज, जिसका उन्होंने निर्देशन और अभिनय किया था, को 2003 में आलोचकों की प्रशंसा मिली और व्यावसायिक रूप से यह एक आश्चर्यजनक सफलता थी। द अपसाइड ऑफ एंगर में सेवानिवृत्त पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी डेनी डेविस की सहायक भूमिका के लिए उन्हें अपनी सर्वश्रेष्ठ समीक्षाएं मिलीं, जिसके लिए उन्हें ब्रॉडकास्ट फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन से नामांकन मिला और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए सैन फ्रांसिस्को फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड जीता। उसके बाद कॉस्टनर ने द गार्जियन और मिस्टर ब्रूक्स में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक सीरियल किलर की भूमिका निभाई। 2008 में उनकी टिक प्रोडक्शंस कंपनी बंद हो गई और इसे ट्री हाउस फिल्म्स में बदल दिया गया। 29. 2008 में कॉस्टनर ने स्विंग वोट में अभिनय किया। उन्होंने 2005 की फिल्म रूमर हैज इट में जेनिफर एनिस्टन के साथ अभिनय किया। कॉस्टनर को 6 सितंबर 2006 को सम्मानित किया गया, जब उनके हाथ और पैरों के निशान अन्य प्रसिद्ध अभिनेताओं और मनोरंजनकर्ताओं के साथ क्रूमैन के चीनी थिएटर के सामने कंक्रीट में स्थापित किए गए थे। 2010 में वह बेन एफ्लेक, टॉमी ली जोन्स और क्रिस कूपर के साथ द कंपनी मैन में दिखाई दिए। यह संडांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार प्रदर्शित हुई और इसे अच्छी समीक्षा मिली। यह जनवरी 2011 में दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को ऑस्कर की दावेदार माना जा रहा था, लेकिन इसे नामांकन नहीं मिला। उद्धरण वांछित। कॉस्टनर ने घोषणा की कि वह 2011 में ए लिटिल वॉर ऑफ अवर ओन के साथ 7 साल में पहली बार निर्देशक की कुर्सी पर लौटेंगे। वह लर्निंग इटालियन में निर्देशक केविन रेनल्स के साथ फिर से टीम बनाने वाले थे। उनकी मूल उत्पादन घोषणा के बाद से दोनों फिल्मों के बारे में कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है। वह फनी या डाई के फील्ड ऑफ ड्रीम्स 2, एनएविल लॉकआउट में एक विशेष कैमियो के रूप में भी दिखाई देते हैं। कॉस्टनर ने जैक स्नाइडर द्वारा निर्देशित रिबूट की गई सुपरमैन फिल्म मैन ऑफ स्टील में जोनाथन केंट का किरदार निभाया। 30. कॉस्टनर क्वेंटिन टारांटिनो की अनचेंड में एक भूमिका निभाने जा रहे थे। 31. लेकिन शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा। 2012 वर्तमान, पुनरुत्थान और येलोस्टोन। कॉस्टनर ने मिनी सीरीज एटफील्ड्स एंड मैककॉयज 2012 में डेविल इनसे एटफील्ड का किरदार निभाया था। कॉस्टनर ने 3 भाग वाली लघु श्रृंखला एटफील्ड्स एंड मैककॉयज में डेविल इनसे एटफील्ड का किरदार निभाया था, जिसका प्रीमियर 28 मई 2012 को हिस्ट्री चैनल पर हुआ था। इसने 13.9 मिलियन दर्शकों को आकर्षित करके एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। लघु श्रृंखला एक पौराणिक पारिवारिक झगड़े की सच्ची अमेरिकी कहानी बताती है, जो दशकों तक चला और लगभग केंटकी और वेस्ट वर्जीनिया के बीच युद्ध शुरू हो गया था। इस भूमिका के लिए कॉस्टनर को 2012 में लघु श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के लिए एमी पुरस्कार, 32. 2013 में लघु श्रृंखला या टेलीविज़न मूवी में पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार,
33 और 2013 में टेलीविजन के लिए सीमित श्रृंखला या मोशन पिक्चर में एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। 34 2014 में कॉस्टनर जासूसी फिल्म जैक रयान शैनो रिक्रूट में थॉमस हार्पर के रूप में दिखाई दिए, जो श्रृंखला के शीर्षक चरित्र के लिए एक संरक्षक था। उसी वर्ष उन्होंने थ्रिलर तीन डेज टू किल और ड्रामा ड्राफ्ट डे में अभिनय किया और ब्लैक या व्हाइट का निर्माण और अभिनय किया। 35 ब्लैक या व्हाइट का प्रीमियर 2014 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ और 2015 में संयुक्त राज्य अमेरिका में खोला गया। 2015 में कॉस्टनर ने क्रॉस कंट्री रनिंग के बारे में ड्रामा फिल्म मैकफारलैंड यूएसए में कोच जिम व्हाइट की भूमिका निभाई। 2016 में उन्होंने हिडन फिगर में नासा स्पेस टास्क ग्रुप के पर्यवेक्षक काल्पनिक चरित्र अल हैरिसन की भूमिका निभाई। 36 2019 में कॉस्टनर ने द आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन में अभिनय किया। 37 जहां उन्होंने एंजो नामक कुत्ते को आवाज दी। यह उनके करियर की पहली वॉयस ओवर फिल्म थी। अगस्त 2022 में कॉस्टनर ने होराइजन इन अमेरिकन सागा पर निर्माण शुरू किया, जो एक पश्चिमी महाकाव्य है जिसे कम से कम चार फिल्मों में विभाजित किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 3 घंटे से कम होगी। 38 39 40 41 42 कॉस्टनर की योजना है कि फिल्मों को कई महीनों में रिलीज किया जाए। कॉस्टनर इस परियोजना के निर्देशक के रूप में काम करेंगे और उन्होंने कहा कि फिल्म को एक इवेंट टेलीविजन सीरीज के रूप में प्रस्तावित किया गया था। पहली फिल्म का निर्माण कम से कम 220 दिनों तक चलने की उम्मीद थी, लेकिन नवंबर 2022 तक पूरा हो गया। 43 अगली फिल्मों का निर्माण मई 2023 तक चल रहा था। कॉस्टनर को नस्कर कप सीरीज के ऑटो क्लब 500 का औपचारिक ग्रैंड मार्शल नामित किया गया था, जो 25 फरवरी 2007 को कैलिफोर्निया स्पीडवे पर हुआ था। 66 2008 में उन्होंने नस्कर मीडिया समूह और सीएमटी फिल्म्स के साथ मिलकर नस्कर डॉक्यूमेंट्री द राइड ऑफ देयर लाइव्स का निर्माण किया, जो उसी साल दिसंबर में रिलीज हुई थी। 67 कॉस्टनर उस डॉक्यूमेंट्री के कथावाचक होंगे। इसके अलावा 2009 में उन्हें नस्कर दिवस का प्रवक्ता नामित किया गया, जो 15 मई को हुआ। अगले दिन 16 मई को वह और उनके देश के संगीत बैंड ने चार्लोट मोटर स्पीडवे के इनफील्ड में प्रदर्शन किया और साथ ही नस्कर स्प्रिंट ऑल स्टार रेस की 25वीं रनिंग से पहले दूसरे वार्षिक विजय चैलेंज। लिखना 2015 में कॉस्टनर ने जॉन बेयर्ड, शोधकर्ता स्टीफन सी मेयर और चित्रकार रिक रॉस के साथ द एक्सप्लोरर गिल्ड ए पैसेज टू शंभाला नामक हाइब्रिड एडवेंचर उपन्यास और ग्राफिक उपन्यास का सहलेखन किया। 68 टिम फेरिस की पुस्तक टूल्स ऑफ टाइटन्स में कॉस्टनर ने एक अध्याय में सलाह दी है व्यक्तिगत जीवन रिश्तों। 2013 में सीजर अवार्ड्स में कॉस्टनर और बाउमगार्टनर। 1975 में कॉलेज में रहते हुए कॉस्टनर ने साथी छात्रा सिंडी सिल्वा को डेट करना शुरू किया और 3 साल बाद उन्होंने शादी कर ली। अपनी शादी के दौरान उनकी 2 बेटियों का जन्म 1984 और 1986 में हुआ और एक बेटा 1988 में पैदा हुआ। कॉस्टनर के वाटर वर्ल्ड के सेट पर कथित तौर पर अफेयर होने के कारण दोनों ने शादी के 16 साल बाद 1994 में तलाक ले लिया। सिंडी सिल्वा को 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर 2023 में 149 मिलियन डॉलर के बराबर का सेटलमेंट मिला। 69 तलाक के बाद उनका अरबती बिल कोच की भावी पत्नी ब्रिजेट रूनी के साथ एक संक्षिप्त संबंध था। कॉस्टनर और रूनी का एक बेटा था, जिसका जन्म 1996 में हुआ था। 70 उन्होंने इसके बाद राजनीतिक कार्यकर्ता बिरगिट कनिंघम को डेट किया। 71 72 25 सितंबर 2004 को कॉस्टनर ने अपनी 4 साल की प्रेमिका मॉडल और हैंडबैग डिजाइनर क्रिस्टीन बाउमगार्टनर से 73 कोलोराडो के एस्पेन में अपने खेत में शादी की। उनके 2 बेटे हैं, जिनका जन्म 2007 और 2009 में हुआ और एक बेटी का जन्म 2010 में हुआ। 74 75 76 मई 2023 में
बाउमगार्टनर ने तलाक के लिए अर्जी दी। 77, उन्होंने 20 फरवरी 2024 को अपने तलाक को अंतिम रूप दिया। 78, राजनीतिक सक्रियतावाद। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में कॉस्टनर एक रिपब्लिकन थे। वह रोनाल्ड रीगन के समर्थक और मित्र दोनों थे, अक्सर पूर्व राष्ट्रपति के साथ गोल्फ खेलते थे। उन्होंने अंततः 1990 के दशक की शुरुआत में अपनी संबद्धता बदल ली। 1992 से कॉस्टनर ने अल गोर और टॉम डेशले सहित कई डेमोक्रेटिक राजनेताओं को वित्तीय रूप से सहायता की है, लेकिन 1995 के अंत तक रिपब्लिकन फिल ग्राम को भी योगदान दिया है। 79, 2008 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें राजनीतिक पद के लिए दौड़ने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने काफी रंगीन जीवन जिया है। 80, उस वर्ष के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से पहले के अंतिम दिनों में कॉस्टनर ने बराक ओबामा के लिए प्रचार किया, कोलोराडो में विभिन्न स्थानों का दौरा किया जहां उनका घर है। अपने भाषण में कॉस्टनर ने युवा मतदाताओं को मतदान करने की आवश्यकता बताई, जल्दी और उत्साह के साथ। हम दुनिया को बदलने जा रहे थे और हमने ऐसा नहीं किया, कॉस्टनर ने कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी की रैली में कहा। मेरी पीढ़ी ने यह नहीं किया और हमें आपकी मदद की जरूरत है। 81, अक्टूबर 2014 में कॉस्टनर ने दुनिया भर में सेवा कर रहे ब्रिटिश सैनिकों को श्रद्धांजलि भेजी, उनके काम के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। 82, 22 दिसंबर 2019 को कॉस्टनर ने आयोवा के इंडियनोला में एक रैली में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पीट बटिगीग का समर्थन किया। 83, बाद में कॉस्टनर ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन का समर्थन किया। 84, कॉस्टनर ने आयोवा के चौथे कांग्रेस जिले से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए दौड़ रहे डेमोक्रेट जेडी स्कोल्टेन के लिए एक विज्ञापन का वर्णन किया। 85, व्योमिंग में 2022 के संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए कॉस्टनर ने पुनर्मिलन के लिए रिपब्लिकन लिस चेनी का समर्थन किया। 86, अभिनय श्रेय और प्रशंसा। मुख्य लेख: केविन कॉस्टनर फिल्मोग्राफी और केविन कॉस्टनर द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। कॉस्टनर के करियर के दौरान उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 2 अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए शामिल है। डांस विद वुल्व्स 1990, उन्हें डांस विद वुल्व्स एटफील्ड्स एंड मैककॉयज 2012 और येलोस्टोन 2023 के लिए 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिले। उन्हें लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट लीड एक्टर के लिए प्राइमटाइम एमी अवार्ड और 2 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड भी मिले। सिएना रोज डायना मिलर, जन्म 28 दिसंबर 1981, एक अमेरिकी मूल की ब्रिटिश 2, 3, 4, 5, 6 अभिनेत्री है। न्यूयॉर्क शहर में जन्मी और लंदन में पलीबरी, उन्होंने अपना करियर एक फोटोग्राफी मॉडल के रूप में शुरू किया, जो इटालियन वोग के पन्नों और 2003 के पिरेली कैलेंडर में दिखाई दी थी। उन्हें अभिनय में सफलता 2004 की फिल्मों लेयर केक और अल्फी से मिली। इसके बाद उन्होंने फैक्ट्री गर्ल 2006 में सोशलाइन एडी सेडविक और द एज ऑफ लव 2008 में लेखिका कैटलिन मैकनामारा का किरदार निभाया और 2008 में बाफ्टा राइजिंग स्टार अवार्ड के लिए नामांकित हुईं। मिलर ने 2012 की टेलीविज़न फिल्म द गर्ल में अभिनेत्री टिप्पी हेड्रान के रूप में अपनी भूमिका के साथ प्रमुखता में वापसी की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा टेलीविज़न पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, मिनीसीरीज या टेलीविज़न फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। तब से उन्होंने कई उल्लेखनीय फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें फॉक्सकैचर 2014, अमेरिकन स्नाइपर 2014, द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड 2016, लाइव बाय नाइट 2016 और अमेरिकन वुमन 2018, साथ ही साथ मिनीसीरीज द लाउडेस्ट वॉयस 2019 और एनाटोमी ऑफ ए स्कैंडल 2022 शामिल है। प्रारंभिक जीवन: मिलर का जन्म न्यूयॉर्क शहर में 1, द नटक्रैकर सूथ थिएटर में हुआ था। 7,
और जब वह 18 महीने की थी तब वह अपने परिवार के साथ लंदन चली गई। बाद में वह बर्कशायर के एस्कॉट में हीथफील्ड स्कूल में रहने लगी। 8. उसके पिता एडविन मिलर चीनी कला के एक अमेरिकी डीलर है जो पहले एक बैंकर थे। उनकी माँ जोसेफिन एक ब्रिटिश पूर्व मॉडल है जो ब्रिटिश माता पिता के घर दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुई थीं और डेविड बॉवी की निजी सहायक और न्यूयॉर्क में ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट की एक समय प्रबंधक थीं। 9. अभिनय करियर 2001 से 2003 प्रारंभिक अभिनय क्रेडिट। मिलर की स्क्रीन पर पहली उपस्थिति रोमांटिक कॉमेडी साउथ केंसिंगटन 2001 में हुई जिसमें रूपर्ट एवरेट और एले मैकफर्सन उनके साथ थे। 2002 में उन्होंने हाई स्पीड और इसके अनुवर्ती द राइड में सहायक भूमिकाएं निभाईं और द अमेरिकन एम्बेसी और बेयरटाइम में अतिथि भूमिका निभाई। टेलीविजन ड्रामा सीरीज कीन एडी 2003 में एनवाईपीडी जासूस के जुझारू लेकिन देखभाल करने वाले फ्लैटमेट के रूप में उनकी नियमित भूमिका थी। यह अमेरिकी दर्शकों के लिए मिलर का पहला प्रदर्शन था। फॉक्स ने इसे केवल 7 एपिसोड के बाद रद्द कर दिया। 10. 2004 से 2008 सफलता और अखबारों में बदनामी। मिलर 2007 पाम स्प्रिंग्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दो व्यावसायिक फिल्मों में भूमिका और अभिनेता जूड लॉ के साथ अपने संबंधों के कारण उच्च सार्वजनिक प्रोफाइल के साथ 2004 मिलर के करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मैथ्यू वॉन द्वारा निर्देशित और डेनियल क्रेग द्वारा अभिनीत क्राइम थ्रिलर लेयर केक में उन्हें लंदन स्थित कोकीन आपूर्तिकर्ता की प्रेमिका के रूप में दिखाया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मिलर को एक नई इटगर्ल कहा जो लेसी फिलामेंट्स के अलावा कुछ भी नहीं पहनने के बावजूद स्क्रीन पर मुश्किल से दिखाई देती है, जो उसे बहुत जल्दी खोलने के लिए बनाए गए उपहार की तरह दिखता है। 11. बिल नॉर्टन की 1966 की फिल्म के रीमेक अल्फी में उन्होंने एक कॉकनी लिमो ड्राइवर और सेक्स एडिक्ट जूड लॉ की प्रेमिका की भूमिका निभाई। अपनी इट गर्ल की स्थिति के बारे में उन्होंने उस समय कहा। मिलर ने 2005 की पीरियड ड्रामा कैसानोवा में अवैध नारीवादी किताबों के लेखक और जियाकोमो कैसानोवा हीथ लेजर की प्रेमिका की भूमिका निभाई। इसने 37.6 मिलियन डॉलर कमाए और एंटरटेनमेंट वीकली ने एक अनुकूल समीक्षा में लिखा, सुश्री मिलर के पास एक आधुनिक स्मार्ट लड़की की छवि है। उनकी फ्रांसेस्का न तो पिघलने के लिए बहुत कठिन है और न ही एम्मा थॉम्पसन स्कूल ऑफ स्मार्टीज से बहुत चमकदार है। 13. इसके अलावा 2005 में उन्होंने विंडहेम्स थिएटर में लर यू लाइक इट के पुनरुद्धार में अपना वेस्ट एंड डेब्यू किया जिसे ठंडी समीक्षा मिली। द इंडिपेंडेंट के पॉल टेलर ने लिखा, वह किसी भावना को कालीन को पीटने वाले व्यक्ति की तरह पेश करती है और इसमें वह सभी परिपक्व पेशेवर मंच अनुभव लाती है जो 3 फिल्मों में प्रदर्शित होने से जुटाया जा सकता है। 14. मिलर ने 2006 की जीवनी पर आधारित ड्रामा फैक्ट्री गर्ल में 1960 के दशक की सोशलाइट और एंडी वारहोल की प्रेरणा एडी सेडविक की भूमिका निभाई। सन ऑनलाइन के जॉनी वॉन ने निष्कर्ष निकाला, इस दिल दहला देने वाली चेतावनी भरी कहानी में सिएना मिलर का सितारा सबसे चमकीला है, लेकिन रोटन टोमाटोज की आलोचनात्मक सहमति कहती है, सिएना मिलर के समर्पित प्रदर्शन के बावजूद फैक्ट्री गर्ल उसके चरित्र को केवल सतही रूप से पेश करती है और अंततः एक सुसंगत कहानी बताने में विफल रहती है। 15. 2007 में मिलर ने मैथ्यू वॉन के रूपांतरण स्टारडस्ट में एक काल्पनिक ब्रिटिश शहर के एक युवक की प्रेमिका की भूमिका निभाई और स्टीव बुसेमी के इंटरव्यू में एक स्टारलेट की भूमिका निभाई। 65 मिलियन डॉलर के बजट वाली स्टारडस्ट ने दुनिया भर में 137 मिलियन डॉलर की कमाई की, जबकि आलोचकों को लगा कि इंटरव्यू में बुसेमी और मिलर के मनोरम प्रदर्शन ने एक साधारण आधार को मनोरंजक और मनोरंजक बना दिया। 16. माइकल चैबॉन के उपन्यास के फिल्म रूपांतरण द मिस्ट्रीज ऑफ पिट्सबर्ग 2008 में 17. मिलर ने एक विद्रोही उभयलिंगी पुरुष के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ी महिला की भूमिका निभाई। इसका प्रीमियर संडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे सीमित रिलीज मिली।
2018 उन्होंने पिट्सबर्ग में एक छोटी सी हलचल पैदा की जब 2006 में रोलिंग स्टोन के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने शहर को शित्सबर्ग कहते हुए कहा, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि यह मेरा जीवन है? क्या आप मुझ पर दया करेंगे जब आप अपने फंकी न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में वापस आ जाएंगे और मैं अभी भी पिट्सबर्ग में हूँ? मुझे और अधिक ग्लैमरस फिल्में करने और अपने इंडी वर्ष को रोकने की जरूरत है। 19 मिलर की पिट्सबर्ग मीडिया में पैरोडी की गई, जिसमें एक लेख अर्ध प्रसिद्ध अभिनेत्री ने बर्ग पर डंप किया शीर्षक से शामिल था। 20 2008 की ब्रिटिश जीवनी पर आधारित ड्रामा द एज ऑफ लव में मिलर केरा नाइटली के साथ कवि डायलन थॉमस की पत्नी कैटलिन मैकनामारा के रूप में नजर आईं। मिश्रित आलोचनात्मक स्वागत के बावजूद द हॉलीवुड रिपोर्टर के आलोचक रे बेनेट ने लिखा कि यह प्यार और युद्ध की एक अद्भुत वायुमंडलीय कहानी थी और यह फिल्म महिलाओं की है जिसमें नाइटली लगातार आगे बढ़ रही है और दिखा रही है कि वह गा सकती है। और मिलर ने फिर से साबित कर दिया कि उनमें एक प्रमुख फिल्म स्टार बनने के लिए जरूरी सब कुछ है। 21 मिलर ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए BIFA पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। उन्होंने एनिमेटेड फिल्म ए फॉक्स टेल 2008-22 में एक सर्कस लोमड़ी की आवाज़ भी दी और रोमांटिक कॉमेडी के मिली में एक मरे हुए नवविवाहिता की भूमिका निभाई। 23 2009 से 2011 स्क्रीन अंतराल मिलर 2009 में मिलर को G.I. जो फ्रेंचाइज G.I. जो द राइज ऑफ कोबरा 2009 के लाइव एक्शन फिल्म रूपांतरण में द बैरोनेस के रूप में कास्ट किया गया था, जो उनकी पहली और आज तक की एकमात्र मुख्यधारा की हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर थी। उसने ऑडिशन दिया क्योंकि इसमें ब्रेकडाउन होना या हेरोइन की लत लग जाना या अंत में मरना शामिल नहीं था, कुछ ऐसा जो शायद वाकई बहुत मज़ेदार था और जिसे लोग देखने गए और वास्तव में इसे देखकर बहुत मज़ा आया। 24 रेचल निकोल्स के साथ एक लड़ाई के दृश्य को फिल्माते समय रबर की गोली पर फिसलने के बाद उसकी कलाई में मोच आ गई। G.I. जो को ज्यादातर आलोचकों ने अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया। 25 लेकिन इसने दुनिया भर में $302.5 मिलियन कमाए। 26 वह 2009 में UK मोटरस्पोर्ट शो टॉप गियर में स्टार इन ए रीजनेबल प्राइस्ड कार सेगमेंट में दिखाई दीन और 1:49.8 का लैप टाइम सेट किया। उन्होंने केवल 5 दिन पहले ही अपना ड्राइविंग टेस्ट पास किया था। 27 आयरिश इंडिपेंडेंट ने देखा कि मिलर का पेशेवर प्रक्षेपवक्र G.I. जो के साथ अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था, एक ऐसा अनुभव जिसने उसे आश्वस्त किया कि वह वास्तव में अपना रास्ता खो चुकी थी। UK की एस्क्वायर पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में उसने कहा कि भूमिकाएं सूख गईं क्योंकि लोग उन लोगों के साथ फिल्में नहीं देखना चाहते हैं जिन्हें वे स्वीकार नहीं करते हैं। 28 29 उन्होंने अगले 2 सालों तक फिल्मों से ब्रेक लेने और इसके बजाय थिएटर में काम करने का विकल्प चुना। 29 बाद में उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मैं खुद से बीमार हो गई थी या मेरे बारे में उस धारणा से बीमार हो गई थी। यह सब बहुत गंदा लग रहा था। 30 2009 में मिलर ने ब्रॉडवे पर पैट्रिक मार्बर की आफ्टर मिस जूली में मुख्य भूमिका निभाई। 31 उसने द न्यू यॉर्क टाइम्स को बताया, यह वही है जो मैं हमेशा से चाहती थी, ब्रॉडवे पर होना। मैं अपना सपना जी रही हूँ और यही आप मांग सकते हैं। एक निश्चित बिंदु पर आपको बाकी सबको अनदेखा करना होगा। उनके प्रदर्शन पर द गार्जियन ने कहा, मिलर बीच बीच में इसमें महारत हासिल करती है, एक उपलब्धि हालांकि अधूरी। 32 उन्होंने लंदन के थिएटर रॉयल हेमार्केट में ट्रेवर नन के 2011 के प्रोडक्शन फ्लेयर पाथ में एक पूर्व स्टारलेट के रूप में अभिनय किया जो एक प्रेम त्रिकोण में फंस गई थी। एंडे अपने पेशेवर पतन के बाद मिलर ने वह अनुभव किया जिसे पत्रकार करियर पुनरुद्धार कहते हैं। 29 उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों की एक श्रृंखला में अधिक जटिल नाटकीय भूमिकाएं निभाईं। 34 सभी निर्देशक एक दूसरे से बात करते हैं,
उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा। और एक बार जब आप अविश्वसनीय निर्देशकों के उस ऊपरी सोपान में पहुंच जाते हैं, तो आपके लिए लोग उत्साहित हो जाते हैं, ऐसे लोग जिनकी लोग सुनते हैं। मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 29 HBO और BBC की फिल्म द गर्ल 2012 में मिलर ने अभिनेत्री टिप्पी हेड्रान का किरदार निभाया था, जो निर्देशक अल्फ्रेड हिचकॉक की प्रेरणा थी। अपने शोध के हिस्से के रूप में मिलर, जो गर्भावस्था के शुरुआती चरण में थीं, ने फिल्मांकन के दौरान कई बार हेड्रान से बात की और वे दोस्त बन गए। 35 हिचकॉक की द बर्ड्स में अटारी के दृश्य के पुनर्निर्माण के लिए जीवित पक्षियों का इस्तेमाल किया गया था। मिलर ने रेडियो टाइम्स को बताया, मैं 2 घंटे तक एक पक्षी के हमले से गुजरी। यह हेड्रान के साथ हुई घटना की तुलना में बहुत कम है, लेकिन यह बहुत भयानक था। कैमरे के पीछे कुछ लोग पक्षियों के बक्से लेकर मेरे चेहरे पर सीगल और कबूतर फेंक रहे थे। 36 37 फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, लेकिन डेली मिरर की जेन साइमन ने लिखा, जी इन सबके बीच शान से और एक त्रुटिहीन अमेरिकी उच्चारण के साथ सिएना मिलर अछूती सुंदरता और बर्फीले ग्लैमर लेकर आई है, लेकिन साथ ही हेड्रन के असाधारण लचीलेपन को भी पकड़ती है, जो हिचकॉक द्वारा उन पर फेंके गए हर चीज का सामना करने के लिए होना चाहिए था, द टेलीग्राफ के लिए लिखते हुए क्लाइव जेम्स ने कहा। हेड्रन की भूमिका निभाने के लिए सिएना मिलर से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता था, जो हेड्रन से भी ज्यादा प्यारी है। 38 उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा टेलीविजन पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लघु श्रृंखला या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 2014 में मिलर ने बेनेट मिलर की फॉक्सकैचर में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता पहलवान डेव शुल्स की पत्नी नैन्सी शुल्स और क्लिंट ईस्टवुड की अमेरिकन स्निपर में यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील स्नाइपर क्रिस काइल की पत्नी ताया रेने काइल का किरदार निभाया था। दोनों फिल्मों को काफी सराहना मिली और अमेरिकन स्निपर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली युद्ध फिल्म बन गई। 39 2015 में उन्होंने रोड ड्रामा मिसिसिपी ग्रिंड में एक वेश्या की भूमिका निभाई, कॉमेडी अनफिनिश्ड बिजनेस में एक मेहनती छोटे व्यवसाय के मालिक की पूर्व बॉस, डायस्टोपियन फिल्म हाईराइज में एक सिंगल मदर। 40 मिलर ने कैबरे के ब्रॉडवे पुनरुद्धार में सैली बाउल्स की भूमिका भी निभाई, जब एम्मा स्टोन ने प्रोडक्शन से जाने का फैसला किया और फरवरी और मार्च 2015 में शो के आखिरी 6 हफ्तों तक प्रदर्शन किया। न्यूयॉर्क डेली न्यूज ने उनके अहंकारी और फौलादी प्रदर्शन की प्रशंसा की और लिखा कि भूमिका के लिए उनका दृष्टिकोण कैंडर और एब के गानों डोंट टेल मॉम्मा और परफेक्टली मार्वलस में अच्छा काम करता है। 41 उन्हें 2015 के कान फिल्म फेस्टिवल के मुख्य प्रतियोगिता खंड के लिए जूरी में चुना गया था। 42 43 मिलर पैरामाउंट पिक्चर्स और प्लान बी एंटरटेनमेंट के जेम्स ग्रे द्वारा निर्देशित द लॉस्ट सिटी ऑफ सेड 2016 के रूपांतरण में दिखाई दीन, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश भूगोलवेत्ता पर्सी फॉसेट की पत्नी नीना फॉसेट का किरदार निभाया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें उनकी भूमिका में अद्भुत कहा। 44 जबकि टाइम ने उन्हें चमकदार और चतुर बताया। 45 बेन एफ्लेक की पीरियर क्राइम ड्रामा लाइव बाय नाइट 2016 में मिलर ने एक कुख्यात गैंगस्टर की मालकिन और प्रथम विश्व युद्ध के दिग्गज की प्रेमिका की भूमिका निभाई। 46 47 48 49 2017 में मिलर ने ड्रामा द प्राइवेट लाइफ ऑफ ए मॉडर्न वुमन में अभिनय किया, जिसे 74वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। 50 2018 वर्तमान 2018 में मिलर युद्ध फिल्म द कैचर वाज ए स्पाई में एस्टेला के रूप में दिखाई दीन, जो बोस्टन रेड सोक्स के एक कैचर मोबर्ग की प्रेमिका थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ओएसएस में शामिल हो गए थे। साथ ही ड्रामा अमेरिकन वुमन में भी, जिसमें उन्होंने एक अकेली माँ का किरदार निभाया था, जो अपनी बेटी के रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाने के बाद अपने पोते की परवरिश करने की चुनौती का सामना करती है। अमेरिकन वुमन
जिसने मिलर को उनके करियर की कुछ सर्वश्रेष्ठ समीक्षाएं दीं। मुख्य किरदार के रूप में उनकी पहली भूमिका थी जिसे किसी अन्य अभिनेता ने आगे नहीं बढ़ाया, और पहली बार वह एक महिला चरित्र के जीवन को सूक्ष्म तरीकों से दर्शाने में सक्षम थी। 52. मिलर ने टिप्पणी की, ये अवसर बहुत कम और दूर दूर तक रहे हैं, और यह फिल्म में एक महिला होने के नाते अंतर्निहित है। मुझे लगता है कि यह काफी दुर्लभ है। जरूरी नहीं कि यह मेरे लिए विशिष्ट हो, लेकिन 37 साल की उम्र में मैं रोमांचित हूं कि मुझे यह अवसर मिला है। मैंने शानदार फिल्मों में अच्छा सहायक काम किया है और छोटे छोटे क्षणों में कुछ दिखाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। मुझे एक किरदार के साथ वास्तव में वह सब कुछ करने के लिए जगह और समय मिलना पसंद था जो मैं करना चाहती थी। 52. मिलर ने 2019 की एक्शन फिल्म 21 ब्रिजेस में चैडविक बोसमैन के साथ एक नारकोटिक्स जासूस की भूमिका निभाई। द गार्जियन ने लिखा कि वह द सोप्रानोस से एडी फाल्को की आवाज निकाल रही थीं। 53 और दुनिया भर में $50 मिलियन की कमाई के साथ फिल्म एक मध्यम व्यावसायिक सफलता थी। इसके बाद उन्होंने मिनीसीरीज द लाउडेस्ट वॉयस 2019 में टेलीविजन कार्यकारी रोजर आइल्स रसेल क्रो द्वारा अभिनीत की पत्नी बेथ आइल्स की भूमिका निभाई, जो शोटाइम पर प्रसारित हुई। मिलर को स्क्रिप्ट और गैब्रियल शेरमैन की किताब द लाउडेस्ट वॉयस इन द रूम के अलावा अपने प्रदर्शन को आधार बनाने के लिए सामग्री खोजने में संघर्ष करना पड़ा। एंटरटेनमेंट वीकली के साथ एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा, उनकी बहुत कम फुटेज है जो मेरे पास उपलब्ध थी, लेकिन उनके द्वारा दिए गए 2 भाषण थे जो YouTube पर थे, और एक और छोटा सा साक्षात्कार था, इसलिए मैंने वास्तव में अपना शोध उसी के आसपास आधारित किया और स्क्रिप्ट पर भरोसा किया क्योंकि उनके बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं थी। लेकिन साक्षात्कार और भाषणों ने मुझे वास्तव में बहुत कुछ उजागर किया। 54. अन्य प्रयास, मॉडलिंग। अपने पेशेवर अभिनय करियर से पहले मिलर ने एक फोटोग्राफी मॉडल के रूप में काम किया। उन्होंने लंदन के सेलेक्ट मॉडल मैनेजमेंट के टैंडी एंडरसन के साथ अनुबंध किया और कोका कोला इटालियन वोग के लिए मॉडलिंग की और 2003 के पिरेली कैलेंडर में टॉपलेस पोज दिया। 55. वह वोग के अमेरिकी, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियाई और पुर्तगाली संस्करणों के साथ साथ नायलॉन, 56, मैरी क्लेयर और पोर्टर एडिट जैसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय फैशन पत्रिकाओं के कवर पर दिखाई दी। 57. मिलर ने मैड्रिड स्थित डेनिम लेबल पेपे जीन्स लंदन के साथ 2 साल का अनुबंध किया। पहला विज्ञापन अभियान मार्च 2006 में पत्रिकाओं पर दिखाई दिया और इसे फोटोग्राफर मिकेल जॉनसन और स्टाइलिस्ट कार्ल टेम्पलर ने शूट किया था। 58. फरवरी 2009 में ह्यूगो बॉस फ्रेग्रेंस ने घोषणा की कि वह उनके बॉस ऑरेंज महिलाओं के परफ्यूम की नई राजदूत होंगी। 59. मार्च 2016 में उन्होंने स्वीडिश फैशन श्रृंखला लिंडेक्स के नए चेहरे के रूप में घोषणा की। 1970 के दशक से प्रेरित सियाना हार्ट्स लिंडेक्स स्प्रिंग अभियान में अभिनय किया। 60. मिलर गुच्ची के क्रूज 2020 अभियान में रोम रेट्रो स्टाइल डिनर पार्टी में एक अतिथि के रूप में दिखाई दिए, जिसे अमेरिकी फिल्म निर्देशक हार्मनी कोरीन ने निर्देशित और फोटो खींचा था। 61. फैशन डिजाइन। 2007 में मिलर ने अपनी बहन सवाना, जो एक फैशन डिजाइनर है, के साथ मिलकर एक पूरा फैशन लेबल लॉन्च किया। 2812 नाम से, इसका नाम मिलर की जन्मतिथि से लिया गया है और इसे पेपे जीन्स द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। 62. बहने 2012 तक लेबल के शीर्ष पर रहीं, जब उन्होंने घोषणा की कि वे सहरचनात्मक निदेशक के रूप में पद छोड़ रही है। 63. सैमुअल हेनरी जॉन वर्थिंगटन, जन्म 2 अगस्त 1976, एक ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता है। उन्हें अवतार फ्रेंचाइज में जेक सुली, टर्मिनेटर साल्वेशन में मार्कस राइट और क्लैश ऑफ द टाइटन्स और इसके सीक्वल रैथ ऑफ द टाइटन्स में पर्सियस की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 1. उन्होंने अन्य नाटकीय भूमिकाएं निभाई है, द डेब्ट 2010, एवरेस्ट 2015, एक्सो रिज 2016, द शेक 2017, मैनहंट 2017,
और फ्रैक्चर्ड 2019, उन्हें बूटमैन 2000, सोमरसॉल्ट 2004 और अवतार 2009 में उनकी प्रमुख भूमिकाओं के लिए 3 बार ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार मिला है। टेलीविजन पर वर्थिंगटन अपने मूल ऑस्ट्रेलिया में लव माई वे में हॉवर्ड के रूप में और टेलीविजन ड्रामा मिनी सीरीज डेडलाइन गैलीपोली में फिलिप शूलर के रूप में दिखाई दिए, जिसके लिए वे एक कार्यकारी निर्माता भी थे। उन्होंने वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2010 के साथ साथ इसके सीक्वल कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2 2012 और कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 4 2018 में नायक कैप्टन एलेक्स मेसन को आवाज दी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। वर्थिंगटन का जन्म दक्षिण पूर्व इंग्लैंड यूके के सरे के गोडालमिंग में अंग्रेज माता पिता के घर हुआ था। उद्धरण वांछित, वह एक शिशु के रूप में पर्थ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया चले गए। उद्धरण वांछित, वह रॉकिंगहैम के उपनगर वार्नब्रो में पलेभरे। उनकी माँ जीन जे नी मार्टिन एक गृहिणी है और उनके पिता रोनाल्ड डब्ल्यू वर्थिंगटन एक बिजली संयंत्र मजदूर है। 2. उनकी एक बहन है लुसिंडा। 3-4. वर्थिंगटन ने जॉन कर्टिन कॉलेज ऑफ द आर्ट्स में दाखिला लिया, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के फ्रेमेंटल में स्थित नाटकीय कला में विशेषज्ञता वाला एक हाई स्कूल है, जहां उन्होंने नाटक का अध्ययन किया लेकिन स्नातक नहीं किया। जब उन्होंने कॉलेज छोड़ा तो उनके पिता ने उन्हें $400 दिए और उन्हें क्वींसलैंड के केर्न्स की एकतरफा यात्रा पर भेज दिया और कहा कि घर वापस आने के लिए काम करो। उन्होंने निर्माण और छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया, अंततः सिडनी में बस गए। 19 साल की उम्र में एक राजमिस्त्री के रूप में काम करते हुए उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट के लिए ऑडिशन दिया और उन्हें छात्रवृत्ति के साथ स्वीकार कर लिया गया। 5. कैरियर 2000 से 2008 प्रारंभिक भूमिकाएं। वर्थिंगटन ने ऑस्ट्रेलियाई डांस फिल्म बूटमैन 2000 में एडम गार्सिया के साथ एक छोटी भूमिका निभाई। 6. उन्होंने कम बजट की ऑस्ट्रेलियाई कॉमेडी गेटिन स्क्वायर में मुख्य भूमिका निभाई। 7-8. वर्थिंगटन ने सोमरसॉल्ट 2004 में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता के लिए AFI पुरस्कार मिला। वह प्रशंसित टीवी श्रृंखला लव माई वे में हॉवर्ड के रूप में अपनी भूमिका के लिए ऑस्ट्रेलिया में प्रसिद्ध थे, जिसमें उन्होंने महिला प्रधान की मुख्य प्रेमिका की भूमिका निभाई थी। 2006 में उन्होंने मैकबेथ की एक आधुनिक रिटेलिंग में मुख्य भूमिका निभाई। 2010 में वर्थिंगटन के अंतर्राष्ट्रीय फिल्मी करियर की शुरुआत हॉलीवुड प्रोडक्शन द ग्रेट रेड 2005 में छोटी भूमिकाओं की एक श्रृंखला के साथ हुई, जिसे ऑस्ट्रेलिया में फिल्माया गया था। उन्होंने कैसिनो रॉयल में जेम्स बॉन्ड की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया लेकिन डेनियल क्रेग से भूमिका खो दी। 9. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई प्राणी फीचर फिल्म रॉग 2007 में अभिनय किया, जिसे रोटन टोमाटोज से 100% ताज़ा रेटिंग मिली। 10. 2009 वर्तमान अवतार फ्रेंचाइज और अन्य कार्य। 2009 में वर्थिंगटन ने जेम्स कैमरून निर्देशित विज्ञान कथा फिल्म अवतार में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने जेक सुली की भूमिका निभाई, जो एक पैराप्लेजिक पूर्व अमेरिकी मरीन है जो अपनी ही प्रजाति और पेंडोरा के स्वदेशी नावी लोगों के बीच युद्ध के केंद्र में है। फिल्म सफल रही, आलोचकों की प्रशंसा और कई प्रशंसाएं बटोरीं। यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने दुनिया भर में $2.8 बिलियन $3.9 बिलियन मुद्रास्फीति के लिए समायोजित से अधिक की कमाई की। 11. नवंबर 2010 में वर्थिंगटन ने GQ ऑस्ट्रेलिया 12 को बताया कि जब उन्होंने भूमिका के लिए ऑडिशन दिया तो उन्हें यह नहीं बताया गया कि यह किस लिए है, जिससे वे नाराज हो गए। मैं थोड़ा नाराज था और मुझे लगता है कि यह बात सामने आई। मुझे लगता है कि जिम ने एक चिंगारी देखी और उसे पसंद किया, क्योंकि यह सुली का चरित्र है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे धमकाया जाना पसंद नहीं है
और एक ऐसा व्यक्ति जो बस चीजों को सही करना चाहता है। 13. बाद में उन्होंने कहा कि कैमरून ने उनकी जिंदगी बदल दी और वे हमेशा उनके आभारी रहेंगे। तो दोस्तों, आपने पूरी डिटेल लगभग लगभग जान ही ली है और इसके बारे में आपने देख ही लिया है कि क्षितिज एक अमेरिकन गाथा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजन एंड अमेरिकन सागा। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार मूवी है और इसको आपको देखना चाहिए क्योंकि इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। रोटेन टोमेटो 75% है, जो कि बहुत ही शानदार है। 10 में से 7% इसको रेटिंग देते हैं प्लस की, तो मैं भी ये कहना चाहूँगा, देखिए बहुत ही शानदार है। इसकी दोनों पार्टी बहुत शानदार हैं और ये जो डायरेक्टर है वो भी बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में।